हेलो फ्रेंड्स मित्रों, आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड फोर गुजरात मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 15 सेहत की कक्षा क्लास ऑफ हेल्थ पाठ का परिचय। इस पाठ के माध्यम से फास्ट फूड खाने से होने वाली जो हानियां और पौष्टिक भोजन के लाभ के बारे में बताया गया है, यानी कि हमें फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जिनसे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विद्यालय का मध्यावकाश चल रहा था, मध्यावकाश यानी कि आधी छुट्टी जिसको हम रिसेस भी कह सकते हैं। विद्यार्थी खाने पीने तथा खेलने में व्यस्त थे। कक्षा चार के सभी विद्यार्थी खाना खा चुके थे, यानी उसने लंच कर लिया था। महादेवन मजे लेकर बर्गर खा ही रहा था कि मध्यावकाश खत्म होने की घंटी बज गई। क्या बर्गर खाने जा रहा था तभी रिसेस पूरा होने का घंट वो बज गया। महादेव ने अध्यापिका के आने से पहले जल्दी जल्दी बर्गर खाया और अपनी जगह पर बैठ गया। बराबर कुछ ही देर में हिंदी की अध्यापिका कक्षा में आ गई। अभी उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ही था कि महादेव जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ था उसको कि महादेव के रोने की आवाज़ सुनकर अध्यापिका ने रोने का कारण पूछा, क्यों भाई रो रहे हो? उसका मित्र जयंत बोला कि मैडम, डॉक्टर ने महादेव को फास्ट फूड खाने से मना किया था, परंतु आज इसने कैंटीन से बर्गर खरीद कर खाया है, इसलिए आज उसको कुछ हो रहा है। अध्यापिका ने पूछा, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? जयंत ने उत्तर देते हुए कहा कि दो दिन से इसके पेट में दर्द था, फिर भी इसने ये बाहर से बर्गर को खरीद के खाया, इसलिए घर में भी सभी ने इसे फास्ट फूड खाने से मना किया था, पेट में दर्द हो रहा था इसलिए। अध्यापिका ने महादेवन से कहा, यह तो गलत बात है महादेवन, कई बच्चे एक साथ बोले, मैडम पिज्जा आइसक्रीम बर्गर फ्रेंच फ्राइज आदि देखकर हम खुद को रोक ही नहीं पाते, हमें खाने की इच्छा हो जाती है, ऐसा कहा सभी बच्चों ने। अध्यापिका ने समझाते हुए कहा कि बच्चों, ये सभी चीज़ें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए तुम्हारे माता पिता ये चीज़ें खाने से मना करते हैं। फास्ट फूड कम समय में तैयार किया जाने वाला एक भोजन है जो अधपका होने के कारण नुकसान पहुंचाता है। क्या होता है वो अधपका, यानी आधा पका हुआ और आधा नुकसानकारक। ऐसे भोजन में अधिक मात्रा में वसा, शर्करा, शुगर, क्या क्या होता है, वसा, शर्करा यानी कि शुगर तथा अन्य हानिकारक तत्व होते हैं। बराबर जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक तत्व है। यह भोजन मोटापे को बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, मोटापे को, यानी कि हम छोटे होते हुए भी बड़े लगने लगते हैं। फाइबर्स की कमी होने के कारण पचने में भी कठिन होता है, इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है जिसके कारण हमारे पेट में दर्द होने लगता है। ऐसा भोजन कुछ समय के लिए भूख को शांत भले ही करता हो, किंतु इससे शरीर की ऊर्जा और वृद्धि नहीं होती, इनसे हमें कोई ताकत शक्ति नहीं मिलती। यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक होने के साथ साथ दिमाग को भी कमजोर कर देता है, यानी कि हमारी जो याद शक्ति उसको भी कम कर देता है, इसलिए जहाँ तक हो सके इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चों तुम्हें रोज़ पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, अनाज, मौसम की सब्जियाँ और फल आदि। पौष्टिक भोजन से शरीर की ऊर्जा में वृद्धि तो होती है, साथ ही मन प्रसन्न और मस्तिष्क विकसित होता है, यानी कि हमारी जो याद शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है, इससे रोगों से भी बचा जा सकता है, इनसे हमें रोग भी नहीं होते, अध्यापिका ने ऐसा बताया। अच्छा मैम, तो सभी बच्चों ने एक साथ कहा। अध्यापिका ने भी कहा कि हाँ बच्चों, तुम सब मुझसे यह वादा करो कि अब से फास्ट फूड खुद भी नहीं खाओगे और अपने मित्रों को भी इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताओगे। बराबर पौष्टिक भोजन से अपने शरीर को निरोग और तंदुरुस्त बनाओगे। बच्चे एक साथ बोले, जी मैम हम ऐसा ही करेंगे, आज से हम फास्ट फूड खाएंगे नहीं।
मध्यावकाश यानी कि ऐसी छुट्टी अंतराल, व्यस्त यानी किसी काम में लगा हुआ, बेसी दर्द यानी पीड़ा, पेन नुकसान यानी हानि, हार अतपका यानी अधा पका हुआ, हाफ कुकड, मात्रा यानी क्वांटिटी, शर्करा यानी शक्कर, शुगर, हानिकारक यानी कि नुकसान कारक, हार्मफुल तत्व यानी अवयव एलिमेंट, मोटापा यानी मोटा होने की स्थिति, मोटापन ओबेसिटी, ऊर्जा यानी कि शक्ति ताकत एनर्जी, वृद्धि यानी बढ़ना इंक्रीज, कमजोर यानी वीक, पौष्टिक यानी पोषक तत्व वाला न्यूट्रिशियस, मस्तिष्क यानी कि दिमाग बुद्धि ब्रेन, विकसित यानी जिसका विकास हुआ हो, वर्ड यानी कि डेवलप्ड, वादा यानी वचन, प्रॉमिस, निरोग यानी रोग से रहित, हेल्थी। विलोम शब्द की हम बात करें तो जल्दी तो दे, वृद्धि तो कमी, हानि तो लाभ, कमजोर ताकतवर, खरीदना तो बेचना, अधिक तो कम। त्रुट लेखन, विद्यालय मध्यावकाश, विद्यार्थी अध्यापिका, डॉक्टर पौष्टिक, मस्तिष्क शर्करा, ये आपको अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। उसके बाद हम बात करें महादेवन क्या खा रहा था, तो महादेवन क्या खा रहा था, बर्गर। उसके बाद आपके माता पिता फास्ट फूड खाने से क्यों मना करते हैं, क्योंकि इनसे हमारे हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को नुकसान होता है इसलिए। जब महादेवन मजे लेकर बर्गर खा रहा था तब क्या हुआ, तब अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद मध्यावकाश में विद्यार्थी क्या करने में व्यस्त थे, तो मध्यावकाश में सभी विद्यार्थी खाने पीने तथा खेलने में व्यस्त थे। उसके बाद महादेवन के पेट में दर्द क्यों हो रहा था, क्योंकि दो दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था और भूख के कारण उसने बर्गर खाया था। फास्ट फूड खाने से होने वाले कोई दो नुकसान लिखिए। फास्ट फूड खाने से हमारे पेट में दर्द होने लगता है और हमारे शरीर में ऊर्जा और वृद्धि नहीं होती और दिमाग भी हमारा कमज़ोर हो जाता है। हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, तो हमें दूध दही अनाज और मौसम की सब्जियां तथा फल इत्यादि पौष्टिक भोजन करना चाहिए। इस पाठ से आपने क्या सीखा, इस पाठ से हमने ये सीखा कि हमें कभी फास्ट फूड या बाहर की कोई भी चीज़ें हमें खानी नहीं चाहिए। विद्यालय में खाली जगह का समय था तो क्या था, मध्यावकाश, तो इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद महादेवन कक्षा खाली जगह में पढ़ता था, कौन सी कक्षा में पढ़ता था, चार, चौथी कक्षा में पढ़ता था। फास्ट फूड खाली जगह बढ़ाता है हमारा मोटापा, तुम्हें रोज खाली जगह भोजन करना चाहिए पौष्टिक। उसके बाद बात करें जो शब्द संज्ञा सर्वनाम से नाम की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे कि अच्छा, अधिक, कम तो कमी, ठंडा, ठंडी, गर्म तो गर्मी, रंगीन और लंबाई। उसके बाद हम पौष्टिक भोजन करना चाहिए हमें, तो कैसा, पौष्टिक, तो एडजेक्टिव वाले जो वर्ड है वो इधर हमें लिखने हैं। यह गलत बात है, बात तो लेकिन कैसी गलत, तो गलत हम इधर लिखेंगे। फास्ट फूड में हानिकारक तत्व तो है लेकिन कैसा, हानिकारक, तो हानिकारक आएगा इधर। अतपका भोजन शरीर को नुकसान पहुँचाता है, तो अतपका। उसके बाद दिए गए संयुक्ताक्षरों को दो दो शब्द लिखो, जैसे कि विद्यालय, ध्यान, कष्ट, जैसे कि वाचनालय, ध्यान, अंतर ध्यान, मध्याह्न, ऐसे कष्ट तो नष्ट, अनिष्ट, इस तरह में लिखना है।
उसके बाद नीचे दिए गए वाक्य को अपनी मातृभाषा में लिखो। जैसे कि सभी विद्यार्थी लंच कर चुके थे तो बचा विद्यार्थियों भोजन करी ली तू हतु। तुम क्यों रो रहे हो तो तू शा माटे रड़े छे। पछी हाँ मैम हम सब ऐसा ही करेंगे तो हाँ मैडम अमे बता एमज करीशू। दूध दही अनाज सब्जी आदि खाने चाहिए। दूध दही अनाज फल और शाकभाजी वगैरह खावु जोइए। अंग्रेजी शब्द विद्यालय तो स्कूल, मोटापा तो ओबेसिटी, नुकसान तो हार्मफुल, पौष्टिक न्यूट्रिशियस, व्यस्त बिजी दिमाग, माइंड। चित्र पहचान कर नाम लिखो या अपने आप करना है आपको। पौष्टिक करने वाले विविध प्रकार के भोजन के चित्र अपनी स्क्रैपबुक में चिपकाइए और नाम लिखिए। पिज्जा के चित्र को रंगीन कागज के टुकड़ों से सजाना है इधर आपको। तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 15 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।